सर्वप्रथम हमारे समाज के सदियों पहले मुक्तिदाता संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आधुनिक युग के हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मंच पर बैठे अखिल भारतीय रविदासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय माननीय संत 108 श्री सुखदेव वाघमारे जी और तमाम संत समाज और भाई और बहनों, मैं जानबूझ के सबके नाम लेके समय नहीं आपका ज्यादा लेना चाहता। मैं दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मैं आपके सामने ये मुद्दा रखना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि आज से करीब 2.5 महीना पहले 10 अगस्त को दिल्ली में संत शिरोमणि गुरु रविदास का वो पवित्र धाम जहां उनके चरण पड़े थे, 3 दिन जहां गुरु महाराज संत शिरोमणि रविदास जी रहे थे। बेटे थोड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है। तो जहां गुरु महाराज के चरण पड़े थे, जहां 1509 में उनको वो जमीन तब के राजा सिकंदर लोधी ने दी थी, वो जमीन 12 बीघे 7 विस्वा थी, यानी 12,350 गज जमीन थी। वहां पे गुरु महाराज का मंदिर बना हुआ था और कई पीढ़ियों से वहां रोज गुरु महाराज की आरती होती थी, पूजा होती थी, अर्चना होती थी। लेकिन मनुवादी तत्वों ने साजिश करके और जिस कोर्ट कचहरी में हमारे, आप जानते हैं इस देश के कोर्ट कचहरी पे मनुवादियों का कब्जा है, साठ गांठ करके गुरु रविदास धाम को ध्वस्त करवाया गया। और जो गुरु महाराज वहां पर 510 साल से काबिज थे, रातों रात उनको वहां से उनकी मंदिर उठा ली, उनकी मूर्ति उठा के ले गए। उसको लेकर दिल्ली में और देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। आप सब लोगों ने भी जो 21 अगस्त को दिल्ली में सड़कें पाट दी गई और दलितों ने, रविदास या समाज ने और संत शिरोमणि गुरु रविदास के मानने वालों ने जब सरकार की छाती पर जाकर बताया कि एक तरफ आप अयोध्या की बात करते हो और दूसरी तरफ संत शिरोमणि गुरु रविदास के मंदिर को गिराते हो, ये दोगलापन चलने वाला नहीं है साथियों। 21 अगस्त को दिल्ली की सड़कें पाट दी गई, हमारे 96 नौजवानों को जेल में डाल दिया गया। हमने तब भी कहा था ये लड़ाई केवल एक मंदिर ईंट पत्थर के बने इमारत की नहीं है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास के सम्मान का सवाल है, ये पूरी की पूरी दलित कौम के सम्मान की लड़ाई है, हमने कहा था साथियों। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उस पूरे आंदोलन के दौरान जब हमारे 96 बच्चों को जेल में डाल दिया गया तो सरकार ने तो ये सोच लिया था और बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि ये आंदोलन तो खत्म हो गया। तभी हम सब लोगों ने ये प्रण किया था या तो जमीन और महाराज का मंदिर वही बनेगा, नहीं तो उनकी आन में, बान में, शान में दिल्ली में किसी को रहने नहीं दिया जाएगा, सरकार को रहने नहीं दिया जाएगा। साथियों आज हमें इस बात का कुछ संतोष भी है लेकिन लड़ाई अभी जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़ाई हम लोगों ने फिर 30 अगस्त को दिल्ली में 7 दिन का धरना
अखिल भारतीय रविदास या धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संत सुखदेव वाघ महाराज जी के नेतृत्व में, जिनको जिम्मेदारी पूरे संत समाज ने सौंपी थी कि वो उस आंदोलन का नेतृत्व करें, संत वीर सिंह हितकारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां 7 दिन का धरना लगाया। तो बहुत सारे लोग जो जोश में रहते हैं और जोश में रह के होश खो देते हैं, उन्होंने कहा ये 250-300-500 लोग धरना लगाएंगे तो सरकार पे क्या असर पड़ेगा। तब भी हमने ये कहा था ये धरना नहीं है, ये दिल्ली की सरकार की नाक पे मक्खी बिठाना है। वो मक्खी बिठा दी और सरकार 2 दिन में सरकार को समझ में आ गया कि ये जो मक्खी बैठ गई है या तो नाक जाएगी या सरकार जाएगी। सरकार तो बची हुई लेकिन नाक हमने कटवा ली है उसकी, नाक कट गई है उसकी। क्योंकि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था उस सुप्रीम कोर्ट को भूख चाट के कहना पड़ा कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। फिर उन्होंने कहा तो सुखदेव वाघ महाराज जी महाराज के निर्देश पे ये हुआ कि जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता है, हर महीने की जिस दिन मंदिर तोड़ा गया था, जिस दिन गुरु घर तोड़ा गया था, उस दिन तुगलकाबाद धाम में हम लोग पूरी संख्या में, बड़ी संख्या में तुगलकाबाद धाम जाएंगे और गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की पूजा अर्चना वहां करेंगे। साथियों 2 बार कर चुके हैं, 3री बार के लिए आपको दावत देना चाहते हैं। पिछली 2 बार इस अन्यायी व्यवस्था के सामने जब हमको मंदिर नहीं, हमें गुरु घर नहीं जाने दिया, सरकार ने दीवार लगा दी और कह दिया कि गुरु घर में कोई नहीं जा सकता, उस जंगल में कोई नहीं जा सकता, उस जगह पे कोई नहीं जा सकता, तो हमने कहा हम वहां तक जाएंगे जहां तक हम जा सकते हैं। 10 तारीख को हमने सड़कों पे पूजा की, 10 सितंबर को सड़क पे रोक दिया हजारों लोगों को, वहां पर हमने गुरु महाराज की आरती की, पूजा अर्चना की। 10 अक्टूबर को हमने फिर दोबारा सड़क पे पूजा की। गुरु महाराज की कृपा है, सुखदेव वाघ महाराज जी का नेतृत्व है, इस बार 10 नवंबर को जहां महाराज का मंदिर था वहीं पर महाराज की पूजा अर्चना होगी, आप सबको आना है। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोले 100 निर्भय श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। एक बात और मैं आपकी न्याय करके फिर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया तो पहले तो सुप्रीम, हमारी जमीन है 12,350 गज जमीन, कितनी 12,350 गज जमीन। जब उसने सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, इस देश की न्याय व्यवस्था कैसे दलितों की, गरीबों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसने कहा 200 मीटर में गुरु महाराज का मंदिर बना लो, 200 गज में महाराज का मंदिर बना लो, और कैसा मंदिर बना लो, एक कच्चा सा मंदिर बनाओ, जैसे मंत्रियों की कोठी के बाहर कोटा के भी लगा रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा कि एक कोटा केबिन बना दो, वहां पे महाराज की मूर्ति रख दो। 18 तारीख को उन्होंने ये कहा, हमारे वकील ने कहा दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है, दुनिया में किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई ऐसा पूजा घर नहीं है जो पोटा केबिन बनाओ। तो हमारे वकील ने कहा जब उनका नहीं बन सकता तो पोटा केबिन में हमारे महाराज क्यों रहेंगे, ये हमारे वकील ने कहा। साथियों बहस हुई और हमने तमाम बातों कहा। 21 तारीख को सरकार ने एक कहा नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा पलटी मारी और कहा नहीं आप 200 गज की जगह 400 गज जमीन दे दो, 200 गज की जगह हम 400 गज जमीन देने को तैयार हैं।
और पोटा के भी नहीं, महाराज का पक्का मंदिर 20x20 का बना लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। 200 से 400 मीटर कर दिया, जमीन हमारी 12,350 गज है और हमको कह रहे, हमारी जमीन को कह रहे तुम 400 गज ले लो। बात समझ में आ रही है आपको कि जमीन हमारी 13,350 गज है, 12,350 गज, और हमारी जमीन को ही कह रहे हैं, हमारे गुरु की जमीन को कह रहे हैं उसे 400 गज ले लो। तो भाइयों बहनों, ये लड़ाई अब सम्मान की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। हम तो ये उम्मीद करते थे, हम उनको बताना चाहते हैं, हम ये भी उम्मीद करते थे कि जब सर्वोच्च न्यायालय में गया है मुकदमा तो हमारे साथ न्याय होगा। न्याय के साथ जहां गुरु महाराज को जमीन सिकंदर लोधी ने दी थी, जब दिल्ली सरकार नहीं बनी थी, डीडीए नहीं बना था, भारत आजाद नहीं था, अंग्रेज भी इस दुनिया में नहीं आए थे, मुगल भी इस दुनिया में नहीं आए थे, तब ये जमीन गुरु महाराज को दी गई थी। ये अन्यायी सरकार, ये मनुवादी लोग हमारे धर्म स्थानों पे कब्जा करना चाहते हैं, ये अन्यायी लोग ये हमारी संस्कृति में हमला करना चाहते हैं, ये अन्यायी लोग जिनको काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास ने भरी सभा में मनुवादी ब्राह्मणवादियों को धूल चटाई थी, वो उस धूल चटाने का मुकाबला, उसका बदला आज लेना चाहते हैं। आपको याद है ना, काशी में गुरु महाराज संत शिरोमणि रविदास जी ने सारे के सारे ब्राह्मणों को साथ में धूल चटाई थी, उनको हरा दिया था, इसीलिए उनको संत शिरोमणि कहा गया। संतों में संत, संतों के सिरमोर संत शिरोमणि गुरु रविदास अगर जमीन लेंगे तो 12,350 का जमीन लेंगे, एक रत्ती भी कम नहीं लेंगे, हम सरकार को बताना चाहते हैं। सुखदेव बाघ मारे जी का प्रण है, महाभारत की कहानी याद है, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो कौरवों ने क्या कहा था कि 5 गांव को छोड़ दो, सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं देंगे, हम सरकार को बताना चाहते हैं 400 गज तो भूल जाओ, न केवल 12,350 का जमीन लेंगे बल्कि कम से कम पूरी की पूरी कम से 25,000 का जमीन संत गुरु रविदास के लिए लेकर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक लंबे आंदोलन की जरूरत है। आप याद रखिए, जिस मंदिर की लड़ाई वो पिछले 200 साल से लड़ रहे हैं, हमने भी सरकार को कहा है जब आप अपने राम के लिए 200 साल लड़ाई लड़ सकते हो, हम तो पिछले 5,000 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अगले 5,000 साल से लड़ाई, अगले 5,000 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन गुरु महाराज का मंदिर वही बनाएंगे, उसी जमीन पर बनाएंगे, उससे ज्यादा जमीन पर बनाएंगे। साथियों ये प्रण लेकर संत तुगलकाबाद का जो मिशन है हम लोग काम कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। महाराज जी अपना निवेदन करेंगे, लेकिन अंत में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों आज हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जिस पे हमको ध्यान रखना है, आज हमारे समाज में नेतृत्व बिखरा हुआ है, हमारे जो नेता हैं वो बिखरे हुए हैं, कोई किसी बिरादरी का नेतृत्व कर रहा है, कोई किसी बिरादरी का नेतृत्व कर रहा है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से सबको एक सूत्र में पिरोया था, जिस समाज का प्रतिनिधित्व आप और हम लोग करते हैं, ये समाज की, दलित समाज की सबसे बड़ी बिरादरी है, और सबसे बड़ी बिरादरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, बड़े भाई होने के नाते, बड़ी बिरादरी होने के नाते हम छोटी छोटी बिरादरियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी है, बड़ी बिरादरी होने के नाते हम सारी की सारी उत्तर प्रदेश में 66 जातियां शेड्यूल कास्ट में आती हैं, सारी की सारी बिरादरियों को अपने साथ कौली भर के इकट्ठा करके उनको साथ लेके उनके विकास की भी लड़ाई लड़ें, उनके सम्मान की भी लड़ाई लड़ें, और हर बिरादरी के नेतृत्व को हमारी तरफ से सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, एकता मिले, तब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। महाराज जी से मेरी चर्चा हो रही थी तो हमारा मानना यह है, जिस समाज की आबादी 25 करोड़ है, आज अपनी उंगलियों पे गिन लो, क्या आप 40 लीडरों के नाम गिन सकते हैं?
जिस समाज की आबादी 25 करोड़ है, मैं यहां चैलेंज करके कहता हूं जितने भी लोग हैं मेरे समेत, अगर हम 40 ऐसे लोगों के नाम गिना दे जिनको आप दलित समाज का नेता कहते हैं, तो आप जो कहेंगे उतनी गुलामी करने को तैयार होंगे। ये हमारे समाज की स्थिति है। जिस समाज में 25 करोड़ लोग हैं, 40 नेता नहीं है, 4-5-6 की गिनती के बाद सोचना शुरू कर देते हैं कि 7वां आदमी कौन है, 8वां आदमी कौन है, 9वां आदमी कौन है, 10वां आदमी कौन है। जिस देश में 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट से चुने जाते हो, 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब से चुने जाते हो, जहां 1000 से ज्यादा विधायक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुने जाते हो, 40 नेता उनके पास नहीं है भाइयों और बहनों। इसलिए आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो नेतृत्व का संकट है। आप सब लोग समाज में नेतागिरी करते हैं, नेता नेतृत्व हैं, लेकिन आप लोगों को जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी भी संगठन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको आज गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि हमारे नेतृत्व को बिखेर के टुकड़े टुकड़े करके अपने हितों को मनुवादी साबित सीधा कर रहे हैं। इसलिए मेरा अंत में निवेदन यह है, आइए हम अपने समाज में कोने कोने में फैले सारे नेताओं को एक करें, सब नेताओं को एक मंच पर लेकर आए। कोई पार्टी चलाएगा, कोई सामाजिक संगठन चलाएगा, कोई धर्म चलाएगा, कोई स्कूल चलाएगा, कोई कॉलेज चलाएगा, कोई पत्रकार बनेगा, कोई कारोबार चलाएगा, सब जगह लोग काम करेंगे। जब ये काम दूसरे लोग कर सकते हैं तो हमारा समाज क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लाखों लीडरों का आह्वान करना चाहता हूं, समाज में लाखों लीडर हैं, अपनी जिम्मेदारी समझो, तू तू मैं पे मत जाओ, अपनी जिम्मेदारी समझ के समाज के सम्मान के लिए खड़े हो जाओ। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो हमको मौका दिया है, तुगलकाबाद धाम के जरिए जो हमको मौका दिया है, गुरु महाराज ने अपना अपना मंदिर गिरवा के, अपना गुरु घर गिरवा के हमको मौका दिया है हम सब एक हो जाएं। अरे उनकी बलिदान को तो याद करो, उनके त्याग को तो याद करो, अगर इस त्याग के बाद भी यह समाज एक नहीं हो पाया तो मनुवादियों का मुकाबला करने आगे कोई नहीं आ सकता। इसीलिए आपसे निवेदन है, आओ हम एक हो जाएं और गुरु महाराज के मंदिर की स्थापना वहीं कराएं, अपने सम्मान की रक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें और इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्ता पर कब्जा करने आगे बढ़े। जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत। धन्यवाद।